So actor Ranbir Kapoor has finally opened up about Raha and the media attention that she may get in the future. Yes, you heard that right. Hello, I'm Resham and you're watching DNP. Firstly, welcome back to our channel. In case agar abhi tak aapne hamare channel DNP ko subscribe nahi kiya, then what you waiting for? Please kar le. Thank you. And I'm back with another entertainment related segment. Yes, you heard that right. So after enjoying the great success of Tu Jhooti Main Makkar opposite Shraddha Kapoor, which is actually a love Ranjan film, Ranbir Kapoor was recently spotted in a chat show with none other than his sweet cousin sister Kareena Kapoor Khan on What Women Want. जी हाँ, इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में रणबीर कपूर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बात की ही की है, प्लस अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने ज़्यादा बातें की है, स्पेशली अबाउट हर न्यू बॉर्न डॉटर राहा, जहाँ उन्होंने बोला है कि लाइक करीना कपूर एंड जिसे हम देखते हैं कि उनकी फैमिली को इतना ज़्यादा अटेंशन मिलता है एंड पैपराजी रियली वॉन्ट टू कैप्चर एवरी थिंग अबाउट तैमूर एंड जे, देर ऑलवेज इन द लाइमलाइट, चाहे वो कभी स्कूल जा रहे हो या कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड कर रहे हो या उनके स्कूल में कोई इवेंट हो, हम देखते हैं कि कैसे दे आर ऑलवेज अंडर द रेडार एंड यू नो पैपराजीज आर ऑलवेज देयर टू कैप्चर देम, यू नो कैप्चर द स्मॉल स्मॉल क्यूट मोमेंट्स. वहीं रणबीर कपूर अपनी डॉटर राहा के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए लाइक द अदर चिल्ड्रन, और फिर बाद में जब वो बड़ी होती हैं देन इट इज़ ऑफकोर्स अप टू राहा कि वो अटेंशन चाहती हैं या नहीं. बट एज ऑफ नाउ उन्होंने बोला है कि वो जैसे तैमूर को इतना ज़्यादा यू नो मीडिया अटेंशन मिला था, फिर उसके बाद उन करीना कपूर खान के जो छोटे बेटे हैं जय, उनको इतना अटेंशन मिला था, तो वो नहीं चाहते कि राहा को भी इतना ज़्यादा अटेंशन मिले. और वो अभी तक उनका यही डिसीजन है, उनका प्लस आलिया भट्ट का, कि वो राहा को इन सबसे दूर रखें. बट हाँ, उनको एक ये भी कंसर्न है कि हो सकता है कि यू नो कुछ सालों बाद जब वो देखेंगे कि तैमूर और जय को इतना ज़्यादा कैप्चर किया जा रहा है और राहा को कोई कैप्चर नहीं कर रहा है, या फिर उनको हमेशा मीडिया टेंशन से हटाया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, देन ही हैज़ वन कंसर्न कि कहीं ऐसा ना हो कि राहा उनके पास आए और बोले कि वाई इज़ इट कि जय और तैमूर को इतना ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, उनकी फ़ोटोज़ ली जा रही हैं, वीडियोज़ ली जा रही हैं, बट उनकी दैट इज़ राहा की कोई फ़ोटोज़ नहीं ले रहा. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न विच रणबीर कपूर एक्चुअली हैज़, और इसी के बारे में उन्होंने वॉट वुमेन वॉन्ट में भी बोला है. जब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने मीडिया टेंशन के बारे में तो बोला ही बोला है, प्लस उन्होंने इस पर्टिकुलर छोटी सी चैट शो में ये भी बताया है कि कैसे इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट फॉर हिम व्हेन ही फर्स्ट हेल्ड इज न्यू बॉर्न डॉटर, एंड वो एक ऐसा मोमेंट है जो वो ऑफकोर्स कभी लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते एंड दैट ही विल चेरिश फॉर द लाइफ टाइम. जहाँ उन्होंने बोला है कि ऑफकोर्स ही हैज़ चेंज अ लॉट आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फादरहुड, यू नो चाहे वो डायपर्स चेंज करना हो या अपने बेबी की कैसे भी केयर करना हो, वो हमेश्या आगे आते हैं एंड इज़ मेकिंग श्योर कि सारा बर्टन सिर्फ आलिया भट्ट पे ही ना हो, दे बोथ आर इन इट टुगेदर एंड ही इज़ वेरी हैप्पी इन द फेज ही इज़ करंटली, एंड ऑफकोर्स ही इज़ इन्जॉइंग द फेज ऑफ तू झूठी है मकार. एंड ऑफकोर्स जैसे उन्होंने बोला और उन्होंने क्लियर किया है कि वो नहीं चाहते कि राहा को इतनी अटेंशन मिले. जब मैं आपको बताऊँ कि कुछ दिन पहले आलिया भट्ट, नीतू कपूर एंड रणबीर कपूर वेंट ऑन टू डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने सारे मीडिया पर्सनल से रिक्वेस्ट की थी कि वो एटलीस्ट 2 साल तक नहीं चाहते हैं कि कोई भी राहा के अगर वो फ़ोटो ले भी लेते हैं तो वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए, क्योंकि वो अपने बेबी का को फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं. बट हाँ, उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बेटी की मोबाइल पर प्रेस के जो मीडिया पर्सनल्स थे उनको फ़ोटो ज़रूर दिखाई, बट देन ही जस्ट रिक्वेस्टेड द पैपराजी कि वो नहीं चाहते कि उनकी कोई भी फ़ोटो बाहर हो, लीक हो, बिकॉज वो अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनली रखना चाहते हैं एंड ही डजंट वॉन्ट हिज डॉटर टू बी यू नो इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, क्योंकि अभी उनका यही डिसीजन है. वेल, रणबीर कपूर नॉट वॉन्टिंग दैट एक्स्ट्रा अटेंशन द वे तैमूर एंड जय आर गेटिंग, वेल उस पर आपका क्या टेक है? आई वुड रियली वॉन्ट टू नो योर टेक इन द कमेंट डाउन बिलो. एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट. अगर आपका हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज डॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. कीप लविंग अस, कीप शावरिंग लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी.